नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है निधि किचन लाइफस्टाइल चैनल पे दोस्तों आज मैं आपके साथ कोई हेयर डाई की रेमेडी नहीं शेयर कर रही हूँ बल्कि आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो इंस्टेंट हेयर जेल बना के हम रेडी करेंगे और इसे एक मिनट में बना के रेडी करेंगे और एक मिनट में ही आपके सफेद बालों को ये काला भी बना देगा वो भी जीरो खर्च में कोई खर्च नहीं होने वाला है बहुत ही जल्दी हम झटपट बना के रेडी कर लेंगे आपके बालों को जड़ से ये सिल्की और शाइनी भी बनाएगा तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं सबसे पहले एक ले लेना है कोई भी एक वेसल यहाँ पे जो मेन इंग्रेडिएंट मैं ऐड करने वाली हूँ वो है फ्लैक्सीज जिसे अलसी का बीज भी बोलते हैं इसमें होता है ओमेगा थ्री फैटी एसिड भरपूर मात्रा में तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक कप पानी ऐड कर दी हूँ इन सबको अच्छी तरह से हमें बॉईल करना है कुक करना है जब तक कि ये थिक कंसिस्टेंसी में ना आ जाए गाय इसमें से जो जल निकलता है वो हमारे बालों के लिए वरदान से कम नहीं है तो इस तरह से कुक करने के बाद ये थिक होने लगेगा तब तक हमें इसे कुक करना है उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देना है गाइस अगर आप अलसी के बीज को फ्लैक्सीज को इस तरह से अप्लाई करते हैं ना तो आपके बाल सिल्की शाइनी और मजबूत भी बनेंगे लेकिन आज जो मैं आपके साथ तरीका शेयर कर रही हूँ ना इससे आपके बाल जड़ से काले हो जाएंगे और वो भी नेचुरल तरीके से तो ये देखिए ये हो चुका है थी अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दी थी मैं जब ये कंप्लीट ठंडा हो जाए रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो हमें यहाँ पे इसे कपड़े की सहायता से छान लेना है आपको यहाँ पे कोई भी चाय छनने या स्ट्रेनर की सहायता नहीं लेना है इस तरह से आपको कपड़े का सहायता लेना है ताकि इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा जो जेल है वो हमें मिल सके अब यहाँ पे मैं ऐड करने वाली हूँ होम मेड चारकोल पाउडर इसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ तो आप मेरे पुराने वीडियो पे जाके देख सकते हैं एक चम्मच यहाँ पे मैं ये ऐड कर दूंगी इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी गाइस मैं पहले आपके साथ इंस्टेंट हेयर डाई शेयर की थी जिसमें कि मैं तेल का यूज़ की थी तो बहुत लोगों के ये क्वेश्चन आए थे कि ये लगा के हम पार्टी पर कैसे जा सकते हैं थोड़ा तेल जैसा लगेगा ऑयली लगेगा तो गाइस ये रेमेडी बस आपके लिए है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप इसे ईजली अप्लाई करके आप पार्टी में भी जा सकते हैं हैं और आपके बाल ये एक मिनट में सूख जाएंगे उसके बाद पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ ऊपर से लगाया भी है गाइस, ये सल्यूशन है आपके बालों को जड़ से काला बनाने का इसमें मैंने कोई भी केमिकल नहीं ऐड किया है बिल्कुल नेचुरल तरीका है ये अपने सफेद बालों को काला बनाने का आपको खुद भी पता है कि ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो है हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है तो गाइस इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है जब भी आप इसे अप्लाई करें तो आपके बालों पे कोई भी तेल नहीं होना चाहिए आपके बाल बिल्कुल क्लीन होने चाहिए मीन्स आपके बाल शैम्पू से धुले हुए होने चाहिए अपने बालों पे इसे अप्लाई कर लें और इसे थोड़ी देर के लिए रहने दें जब ये सूख जाए तो आप इसे कोम कर लें इसे लगाने के लिए आप मस्करा ब्रश का यूज़ कर सकते हैं या तो आप टूथ ब्रश का यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से लग जाता है आपको मैं पहले भी बताई हूँ कि कैसे इसे लगाया जाता है तो गाइस ये जो आज की रेमेडी है ना ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है सफ़ेद बालों के लिए अगर आप सारा कुछ लगा के थक चुके हैं और हीना लगाने का मन नहीं है आंवला लगाने का मन नहीं है तो ये रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा थैंक यू हैवे नाइस डे